हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो वाई ट्वेंटी टू डिवाइस के अंदर आप ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग फाइल सेव कहाँ होती है। जो आपके फोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग होता है उसका जो फाइल है वो आपके फोन में कहाँ पे सेव होता है, तो उसको हम शो कैसे करेंगे, उसको शेयर कैसे करेंगे, उसको हम डिलीट कैसे करेंगे, इसी का पूरा प्रोसेस हम यहाँ पे आपको बताने वाले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलिए हम आपको अपनी स्क्रीन पे ले चलते हैं और आपको वहीं से बताते हैं आप अपने फोन में जो कॉल रिकॉर्डिंग फाइल है वो कहाँ पे सेव होती है। तो आप देख रहे हैं हमारा डिवाइस यहाँ पे शो हो रहा है, अपने डिवाइस से हम आपको बताएं कि आपके फोन में जो कॉल रिकॉर्डिंग फाइल है वो कहाँ पे सेव होती है। तो चलिए हम अपने डायल पैड को ओपन करते हैं, वहां से आपको बता देते हैं आपके फोन में जो कॉल रिकॉर्डिंग फाइल है वो कहाँ पे सेव होती है, क्योंकि जो आपके फोन में कॉल रिकॉर्डिंग फाइल है वो आपके फाइल मैनेजर में सेव नहीं होता। जो आपके फोन में गूगल डायलर है उसी में सेव हो जाता है, जहाँ से आप फोन लगाते हो जो आपका डायलर पैड है वहीं पे सेव हो जाता है। क्योंकि आपके फोन में पहले जो आता था वो वीवो डायलर आता था, लेकिन अब आपके फोन में गूगल डायलर आता है, इसलिए जो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग का फाइल है वो आपके गूगल डायलर के अंदर ही सेव हो जाती है। तो चलिए हम उसको ओपन करते हैं, उसको डिलीट कैसे करना है, उसको शेयर कैसे करना है, पूरा प्रोसेस हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। तो आप देख रहे हैं जो हमारा डायलर पैड है यहाँ पे ऑन हो चुका है, और हमारा जो डायलर पैड है यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑन है, और यहाँ पे हमने एक नंबर डायल किया है 198। आप देख रहे हैं हमने एक यहाँ पे नंबर डायल किया है और चेक किया यहाँ पे जो कॉल रिकॉर्डिंग फाइल है वो कहाँ पे सेव होती है। तो दोस्तों जिस नंबर पे आपने कॉल रिकॉर्डिंग करोगे या जिस नंबर पे आपकी कॉल रिकॉर्डिंग हुई रहेगी उस नंबर के आगे आपको एक छोटा सा वॉइस आइकन आएगा, आपके फोन में एक छोटा सा वॉइस आइकन आएगा। तो आप जैसे भी कॉल रिकॉर्डिंग करोगे वहां पे आपको उस नंबर के आगे एक छोटा सा वॉइस आइकन आ जाएगा। तो आपने देख रहे हैं हमारे जो 198 नंबर है उसके आगे आपको एक छोटा सा वॉइस आइकन आ रहा है, तो उस नंबर उस आइकन को आपको क्लिक करना है, जो वॉइस आइकन है आपको उस पर क्लिक करना है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके फोन में यहाँ पे जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पे शो हो जाएगी, जिस कॉल रिकॉर्डिंग को आप तुरंत करोगे वो कॉल रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे तुरंत शो हो जाएगी। तो आप उसको चला सकते हो यहाँ से, उसको सुन सकते हो आप यहाँ से, और यहाँ से शेयर और डिलीट सब कुछ यहाँ से कर सकते हो। दोस्तों जैसे आपने एक बारी कॉल रिकॉर्डिंग किया, आप अपने फोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग करते हो तो उसमें बहुत बारी कॉल रिकॉर्डिंग हो जाता है आपके फोन में, आप उसको कैसे ओपन करोगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे हिस्ट्री को ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके फोन में यहाँ पे आपको हिस्ट्री का ऑप्शन है, तो आपको हिस्ट्री को ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आप जैसे हिस्ट्री के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके फोन में जो कॉल की हिस्ट्री है वो यहाँ पे शो हो जाएगी, जिस टाइम आप कॉल रिकॉर्डिंग किए रहोगे या जिस टाइम आपने कॉल लगाया है उस टाइम में आपकी कॉल रिकॉर्डिंग हुई होगी उसी टाइम में आपकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है उसी टाइम में आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप जिस टाइम कॉल करोगे उसी टाइम में आपको यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग भी ऐड रहेगा, तो आपको यहाँ पे अपने कॉल का टाइम देखना है और उसी टाइम में आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको हमने अभी कॉल रिकॉर्डिंग किया है और यहाँ पे आप देख रहे हैं और पहले का जो कॉल रिकॉर्डिंग है यहाँ पे आ रहा, तो आप ऐसे क्लिक करेंगे इसको और यहाँ से चला सकते हैं इसको और यहाँ से शेयर कर सकते हैं, और आगे आपको यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन है, आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप अपने फोन में जो कॉल रिकॉर्डिंग फाइल है आप उसको ओपन कर सकते हो, उसको सुन सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से आपको अपने फोन में जो कॉल रिकॉर्डिंग फाइल है उसको ओपन करना है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।